तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाऊंगी बहुत ही यमी डिलीशियस अंडा पराठा की रेसिपी। ये दिखने में जितनी खूबसूरत यमी डिलीशियस है, खाने में उतनी ही लाजवाब है। एक बार आप देख लोगे ना तो बनाए बिना रह नहीं पाओगे। तो फिर देरी किस बात की, चलिए आज की ये स्पेशल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है आटा, वही उसी तरह से आटा लिया है जिस तरह से आप हमेशा रोटियाँ बनाने के लिए लेते हो ना, सॉफ्ट सा आटा। इसमें मैंने नमक वगैरह ऐड करके ही गूंद लिया है और चार अंडे ले लिए हैं। आपको जितने पराठे बनाने हैं वो हिसाब से आप अंडे ले लीजिए। तो सबसे पहले हमें अंडों को ग्रेट करना है ग्रेटर की हेल्प से। आप चाहो तो पतला पतला बारीक सा कट कर सकते हो, लेकिन ग्रेट करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा, हमारी स्टफिंग बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो हम स्टफिंग के लिए अंडे को ग्रेट कर रहे हैं। तो एक अंडे को मैं ग्रेट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए, इस तरह से ग्रेट करना है। अगर आपका अंडा अच्छे से प्रॉपरली ग्रेट नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, आप फ्रिज में थोड़ी देर रख दीजिए, खुद टाइम तक का सेट हो जाएगा, उसके बाद बढ़िया सी ग्रेट हो जाएगा। तो देखिए, हमने अंडे को ग्रेट कर लिया है। अब इसको साइड में रखते हैं और स्टफिंग बनाने के लिए तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है भुने हुए जीरा का पाउडर एक छोटा चम्मच, साथ ही धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच, और रेड चिली पाउडर लेना है आधी छोटी चम्मच। दोस्तों, इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है इसका स्वाद, चाट मसाला। और साथ में लेना है हरी मिर्चें, टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए, बच्चों के लिए बना रहे हो तो कम ले लीजिए। और साथ में धनिया पत्ता और कुछ कड़ी पत्ते को तोड़ लिया है। तो देखिए कितना बढ़िया सी हमारा मिक्सचर बन गया है। अब इसमें टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करिए, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, जितना भी आप आटा पराठा बनाना चाहते हो वो हिसाब से ले लीजिए और हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी स्टफिंग थोड़ा सी गिर रही थी तो मैंने क्या किया, बॉल को चेंज कर दिया है, मैंने एक बॉल ले लिया है। अब ये स्टफिंग पूरी तरह से रेडी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने जो आटा लिया था उसके हम पेड़े बना लेते हैं। तो हमें चार पेड़ा पूरा बनकर तैयार होगा इतने आटे में। तो अब हमारे चार लोइयाँ हो गई हैं। अब चलते हैं एक रोटी बेल के मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने आटा लिया है, लोई बना लिया है। अब थोड़ा सी सूखा आटा लगा के इसको गोल गोल घुमा लीजिए और अच्छे से आटा लग जाना चाहिए पूरी तरह। अब इसको हम थोड़ा से बेलेंगे। तो हमें इतना बड़ा बेलना है, एक पूरी जितनी होती है ना, बस हमें उसी साइज़ का बेलना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तो हमें जो पटला है हमारा उस पर थोड़ा सी आटा लगा लेंगे सूखा हुआ। अब हम हाथों से थोड़ा सी प्रेस करेंगे और इसको बेल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया से आटा गुना है, इसके लिए बहुत ही अच्छे से बेल जा रहा है रोटी। तो ये देखिए, ये मैंने बेल लिया है। अब हमें जो स्टफिंग लिया था वो स्टफिंग हमें लेना है। आप अपने हिसाब से स्टफिंग को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन स्टफिंग ज़्यादा होती है ना तो टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो देखिए, मैंने तीन चम्मच स्टफिंग ले लिया है। अब इस तरीके से कॉर्नर को हमें मोड़ लेना है, कुछ तरीके से ऐसा चपटा करके मोड़ते हैं और कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, तो हमारे घर में यहाँ पे ऐसे ही बनाते हैं। वरना आप कमेंट्स करके बोलोगे कि आप कैसा बना रहे हो पराठा, इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ दोस्तों। तो देखिए, थोड़ा सी आटा अप्लाई कर लिया है और अच्छे से सेट कर लेना है। अब इसको बेल लेना है हमें, तो हल्के हल्के हाथों से इसको बेलना है, क्योंकि स्टफिंग ने हमने इसमें डाली है। तो हल्के हाथों से अगर आप बेलेंगे तो आपका पराठा जो है ना वो फटेगा नहीं और बहुत ही बढ़िया से बेल जाएगा। तो ये देख सकते हो, मैंने चारों तरफ से हल्के हाथों से बेल लिया है। अब ये इसको साइड में रखते हैं और चूल्हे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा तावा जो है गर्म हो गया है, नॉन स्टिकी है। तो मैं इस पर रोटी को डाल दूँगी और इसको थोड़ा सी सेकने दूँगी, फिर उसके बाद में थोड़ा सी हमने इसको हिला के इस तरह से साइड चेंज करना है। तो देखिए, ये थोड़ा सी हो गया है। अब इसमें हम ऑयल अप्लाई कर लेंगे, तो ऑयल हो जाए तो हम इसको पलट लेंगे। दूसरे साइड से भी हमें इसको सेक लेना है। ये काम हम
मीडियम फ्लेम पे ही कर रहे हैं, तो ये साइड भी हमने ऑयल अप्लाई नहीं किया था, अब यहाँ पे भी कर लेंगे। अब इतने से तेल में हमें पराठे को बनाना है, पराठे को सेक लेना है बढ़िया सी। तो चलिए इसको अलट पलट करते हुए इसको ब्राउन करना है, क्रिस्पी करना है। तो खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है दोस्तों ये पराठा कि आप एक बार बना लेंगे ना तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाओगे, इतना लाजवाब इसका टेस्ट होता है, बहुत ही बढ़िया लगता है, कभी भी आप बना के इंजॉय कर सकते हो। तो मैं आपको जूम करके बता देती हूँ, देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे पराठों का, यम्मी डिलीशियस लग रहा है ना। तो आप सोचो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा ये पराठा, गर्मा गर्म आप कभी भी दही के साथ खा सकते हो, अचार हो, बहुत ही बढ़िया लगता है दही और या फिर अचार के साथ। तो सवेरे सवेरे आप ये नाश्ता ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कैसा बना है आपका पराठा, अंडा पराठा। तो चलिए ये बन गया है पराठा हमारा और इसी तरह से मैं सारा पराठा बना लूँगी। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, आपको ये कलर देख के पहचान सकते हो कि कितना यम्मी डिलीशियस बना है हमारा गर्मा गर्म पराठा। तो चलिए मैं सारे पराठे को रेडी कर लेती हूँ फटाफट से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म पराठा जो बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हो कितना यम्मी डिलीशियस मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करके लाइक और शेयर करना ना भूलें।